सो हेलो एवरीवन, वेलकम आपका फिर से लाइव ट्रेड प्रिंस चैनल पे। आज मैं लाइव ट्रेड करने वाला हूँ बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में। अभी देखते हैं आज क्या रहता है। तो हम इसमें देखो, ब्लू डॉट में अभी यहाँ पे चांसेस है कि ये अगर इन कहीं पे ओपन होता है तो एक और रेड कैंडल बना सकता है आज। तो ब्लू डॉट को ऐड कर लो। तो यहाँ पे सारी कॉल्स ऐड कर दिए मैंने, कॉल की लिस्ट में और पुट की लिस्ट में सारी पुट ऐड कर ली है। 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे, जहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है। बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे आगे थोड़ा सा चीजें बता देता हूँ क्या प्लान रहने वाला है आज का। अभी ये कॉन्स्टेंट अपसाइड ईएमए फॉलो हो रहा है यहाँ पे, और जो डे हाई है ये डे हाई ब्रेक करके ऊपर चल रहा है। अभी फ्लैट ही ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे या तो आएगा तो ईएमए के आसपास और ऊपर जाएगा तो पहला रेजिस्टेंस ही है, और इसके बाद भी देखते कहां तक मूव कर पाता है। ये बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए हुए मैंने सारे, जितने भी लेवल दिख रहे हैं। सपोर्ट है, सपोर्ट 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 रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ट्रेड कर लिया है और इधर कहीं पे इस लेवल पे लगा लिया, बिकॉज ये एक रेंज बन रही है। यहाँ पे कैंडल्स दिख रही है आपको काफी सारी। इसके यहाँ पे इसी कैंडल्स के ऊपर जो ये जो रेंज है, इस रेंज के जस्ट ऊपर यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ट्रेड कर लिया और ये प्रॉफिट बुक हो चुका है। अब अगर इसको स्टॉप लॉस जो मैंने ट्रेड किया यहाँ पे हिट करेगा तो ये प्रॉफिट बुक वाला आ जाएगा, वरना नीचे की साइड मूव एक्सपेक्टेड है अभी भी, बिकॉज सेलिंग प्रेशर ब्लू डार्ट में है अभी भी। बैंक निफ्टी में देखो ध्यान से, ये रेंज बन चुकी है ये वाली जो मैंने अभी अभी येलो लाइन ड्रॉ करी है ये। अब देखो इसके ऊपर क्लोजिंग कैंडल नहीं बन पा रही एक भी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कैंडल बनती है तो पहला टारगेट येलो लाइन, दूसरा टारगेट ये लेवल और तीसरा टारगेट ये लेवल। अभी देखो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमें बस देखना पड़ रहा है ये रेंज हमारे सामने अपने आप बन के आ रही है, हमें बस लेवल मार्क करने हैं। ब्लू डार्ट में भी थोड़ी सी बाइंग आ रही है यहाँ पे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। कैंडल को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कैंडल बाइंग कैंडल ये भी है ये भी है, बट ये देखो ये जो इसकी जो बॉडी है काफी स्ट्रॉन्ग है और इसकी बॉडी काफी वीक है। इसको कैंडल की जो बॉडी रहती है काफी कुछ बताती है बायर्स के व्यू के बारे में। जैसे इस वाली कैंडल में स्ट्रॉन्ग बाइंग आई ना, इसमें भी अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाएगी तो प्रोबेबिलिटी है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा ये। बट अगर ये बाइंग कम हो जाए, ऐसी कुछ ग्रीन कैंडल बन जाए इस टाइप की या फिर इस टाइप की, तो एक और सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। फिर यहाँ पे 12:34 हो गए, 12:45 पे बंद होगी कैंडल वाली। लेट्स सी कैसे बंद होती है। स्टॉप लॉस काफी पास में है। बैंक निफ्टी देखो फिर से इसी रेंज में घूम रहा है ना, यहाँ पे इसी रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का फायदा नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होगा। वेट करना है इस रेंज के बाहर क्लोजिंग कैंडल बनाए या फिर इस रेंज के बाहर क्लोजिंग कैंडल बनाए, तब ट्रेड लेने का सोच सकते हैं। यहाँ का स्टॉप लॉस के पास जा रहा है प्राइस। लेट्स सी 1 मिनट और फिर कैसी कैंडल बनती है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ट्रेड कर लिया, 1680 रुपए का प्रॉफिट यहाँ बुक है और करंट पोजीशन ये चल रही है 1000+ प्रॉफिट। इस रेंज के ऊपर जाएगा यहाँ पे मेरा 1680 रुपए आ जाएंगे, बट अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो अच्छा प्रॉफिट ले पाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत देर से परेशान कर रहा है। यहाँ पे ये देखो ये लाइन बनी है ट्रेंड लाइन, तो मैं दूसरा कलर करता हूँ ताकि आपको दिख जाए, येलो कलर कर देता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन बनी है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखो बायर जाए है ना, इसके नीचे क्लोजिंग कैंडल नहीं बन पा रही, बट अभी एक क्लोजिंग कैंडल बन जाएगी ना इसके नीचे, तो फिर एक नीचे की साइड मूवमेंट पॉसिबल हो जाएगी। मान लो क्लोजिंग कैंडल बन गई तो फिर ऐसे ऐसे नीचे की साइड मूवमेंट आ जाएगी, बट एक क्लोजिंग कैंडल रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ये लेवल जो मैं बता रहा तोड़ेगा, तोड़ तो दिया बट यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल बनानी जरूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चल रही बैंक निफ्टी की ट्रेड और यहाँ पे चल रही ब्लू डार्ट की ट्रेड। ब्लू डार्ट में बन गए हैं कितने, 2416। प्रॉफिट लॉस बाद में दिखाऊंगा, आराम से प्रोसेस फॉलो करते हैं आराम से। तो ये ब्लू डार्ट की ट्रेड चल रही है यहाँ पे, ये बैंक निफ्टी की ट्रेड चल रही है। अब यहाँ सिंपल सी एनालिसिस है, बैंक ब्लू डार्ट अगर इस येलो लाइन को टच करेगा मैं निकल जाऊंगा, और नीचे जितना जाएगा मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करनी है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में ये येलो लाइन पे प्राइस आएगा मैं निकल जाऊंगा, और ऊपर जितना ज्यादा जाएगा उतना मुझे लेने की कोशिश करनी है। प्रोसेस फॉलो करते देखते कितने पैसे बनते हैं आज। कैंडल क्लोज होने में 30-35 सेकंड है। अभी यहाँ से ही वापस गया था पहले ना, दोबारा यहीं से जा रहा है, यानी यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट है ये, तो इसने काइंड ऑफ ब्रेक कर ही दिया। बट अगर एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाएगा ना ये लेवल, तो एक अच्छी मूवमेंट नीचे की साइड दिखेगी अपने को। ये क्लोज हो गई तो इसके हल्का सा यहीं पे कहीं पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। बैंक निफ्टी में ऊपर जाना चाहिए यहाँ से, और ब्लू डार्ट में यहाँ से नीचे आना चाहिए। तो फिर से कोशिश कर रहे हैं इसी लेवल को तोड़ने की, यहाँ पे फिर से सेलर कोशिश कर रहे हैं। ये लेवल टूट के यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल बन जाएगी ना, तो फिर एक अच्छी मूवमेंट नीचे की साइड एक्सपेक्टेड है ब्लू डार्ट में। एंड बैंक निफ्टी में भी ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग किसी ने बाय किया है, तो इसी के यहीं पे मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया है। या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा यहाँ से प्राइस आए तो, और या फिर एक मूवमेंट जितनी भी आएगी कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। तो ट्रेड अपनी दोनों चल पड़ी है, ये बैंक निफ्टी वाली भी चल रही थोड़ी सी और ब्लू डार्ट भी थोड़ी ठीक चल रही है, देखते कहाँ तक क्या रहता है। बैंक निफ्टी में भी देखो ये जो पहला हाई बनाया ना यहाँ पे, ये पहली कैंडल नहीं, ये हाई जब निकलेगा तब एक अच्छी मूवमेंट दिखेगी, बट ये हाई नहीं निकल पाता है तो अनफॉर्चुनेटली हमें अपना एसएल लेना पड़ेगा। बैंक निफ्टी पहली कैंडल का हाई निकालने वाला है। बैंक निफ्टी में एक चीज बताता हूँ, देखो यहाँ पे बायर आए थे कैसे दे गए ऊपर, इसलिए यहाँ पे भी बायर्स है, यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल तक तो चला ही जाएगा बैंक निफ्टी। उसे पहली कैंडल का हाई निकल जाएगा, थोड़ा सा और निकलने वाला है, निकल गया पहली कैंडल हाई निकल गया। अब मूवमेंट देखना कितनी अच्छी आती है, पहला रेजिस्टेंस इसको फेस करने को मिलेगा यहाँ पे, देन ये सेकंड एंड देन थर्ड। तो अभी मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूंगा, अगर ये क्लोज हो जाएगी ना इसके नीचे लगा लूंगा स्टॉप लॉस। तो इतनी अच्छी मूवमेंट आ चुकी है बैंक निफ्टी में, इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने। अब बैंक निफ्टी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, बिकॉज ये रेजिस्टेंस लेवल के पास में है और ये ऑलरेडी यहाँ से चल के आ रहा है। बैंक निफ्टी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ अभी ये जो करंट रेट थी, इसमें 290 आया, बस 400-500 समथिंग दिख रहा था, बट 290 पे बुक हो पाया। पहला रेजिस्टेंस था इसलिए यहीं पे मैंने बुक कर लिया, छोटा सा प्रॉफिट चाहिए था
ये ब्लू डार्ट वाली ट्रेड है, इसको मैनेज करना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, बिकॉज इससे पहले वाली कैंडल का जो हाई है वहीं पे स्टॉप लॉस लगा ली, क्योंकि वो अगर टूटेगा तो चांसेस है कि ऊपर चला जाए। 1800 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, मतलब लॉक कर दिया मैंने 1800 रुपए का प्रॉफिट ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ। अब देखते हैं अगर ये वाला लेवल तोड़ देता है, यहाँ क्लोजिंग कैंडल बना देगा, तो एक और अच्छी मूवमेंट नीचे की साइड अपने को एक्सपेक्टेड है। देख रहे हो बैंक निफ्टी में कैसे रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे ना, कैसे नीचे आ गई, कैसे नीचे आ गई कैंडल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। यहाँ रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि यहाँ से कितनी बड़ी ह्यूज सेलिंग हुई थी, इसलिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इसलिए यहाँ पे जब 500 600 समथिंग प्रॉफिट दिख रहा है तो मैंने बुक कर लिया और मिला सिर्फ 290 रुपीज। तो यहाँ से दो प्रोबेबिलिटीज होती है, यहाँ से क्या पता है रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए, पॉसिबिलिटी है, बट चांसेस ये भी रहते हैं कि यहाँ से रिटर्न आ जाए। तो इसलिए बेटर ये है कि रेजिस्टेंस से अपना प्रॉफिट बुक कर लो अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो, बट थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, पहले आपका लॉस नहीं हुआ किसी ट्रेड में, तो बने रह सकते हो। ब्लू डॉट वाली ट्रेड देखते हैं, तो करंट में प्रॉफिट चल रहा है 1652 समथिंग, इसमें 290 ले पाया बस, जबकि 500 700 रुपए दिख रहे थे। तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, कोशिश यही करनी है। तो इस ट्रेड में अगर कोई रिस्की बंदा है तो इसी सेम कैंडल के नीचे का लो स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लिया बिकॉज एक रेंज है और रेड कैंडल क्लोज नहीं है। अगर क्लोज रहते हैं रेड कैंडल तो मैं यहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखता, बट अभी ये ऊपर जा रहा प्राइस वापस, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया इस रेंज के जस्ट ऊपर, और यहाँ पे मेरा कितना प्रॉफिट लॉक हो गया है 1700 समथिंग। बैंक निफ्टी में अभी निकल गया मैं जल्दी, रेजिस्टेंस था ना, इसलिए अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था तोड़ भी दे, क्या ना भी तोड़ पाए। ब्लू डार्ट में थोड़ी सी मतलब दिखा तो रहा है कि वीकनेस यहाँ पे, बट एक क्लोजिंग कैंडल नहीं बन पा रही है अच्छी स्ट्रॉन्ग सी ना, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल बनेगी ना तब अच्छा पैसा बनेगा। ब्लू डार्ट में वेट कर रहा हूँ मैं, एक अच्छी सी बड़ी सी रेड कैंडल आ जाने, एक जैसे कि ये आई हुई है, ये आई हुई है, इस तरीके से एक बड़ी रेड कैंडल का वेट कर रहा हूँ। नहीं तो नहीं आएगी तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मैंने ट्रेल किया वो ये हिट हो जाएगा और 1700 रुपये प्रॉफिट इसमें आ जाएगा अपने पास। तो बैंक निफ्टी का जल चल रहा है, थोड़ी प्रैक्टिस के लिए ऐसे देख रहा हूँ बस, और असली जो ट्रेड ली हुई है वो लिए ब्लू डार्ट में, और ब्लू डार्ट यहाँ पे ये चार्ट चल रहा है ब्लू डार्ट का, जिसमें 1700 प्रॉफिट लॉक हो चुका है और वेट कर रहा हूँ एक बड़ी मूवमेंट आ जाए नीचे की साइड। प्रॉफिट एंड लॉस कुछ ऐसा चल रहा है अभी, 1546 1693, ये सब ट्रेड क्लोज है। 1891 मिस्टेक हो गई फालतू में, सी साइड ले लिया। 290 अभी ये ट्रेड चल रही है, इसमें 290 लिया बस, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस था 500 समथिंग दिख रहा था, बट 290 ले पाया बस। एंड 1056 पुट साइड में ट्रेड ली मैंने यहाँ पे, और 42000 एक साइकोलॉजिकल लेवल इसने प्रॉफिट बुक कर लिया। एंड अभी ब्लू डार्ट की ट्रेड चल रही है, इसमें 1980 का प्रॉफिट चल रहा है, लेट सी क्या रहता है टोटल प्रॉफिट। 1435 समथिंग, ये बैंक निफ्टी और ये है ब्लू डार्ट। तो फ्रेंड ब्लू डार्ट वाली ट्रेड ने हमको एक्सिट करा दिया यहाँ पे, बट कोई नहीं, ब्लू डार्ट में सही प्रॉफिट बुक हो गया। तो आज का प्रॉफिट कितना है 1076 रुपीज। किल स्विच हो गया, नहीं मैं वो ट्रेड नहीं ले सकता, अब आराम से मार्केट को देखूंगा, समझूंगा, सीखूंगा। तो हम किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।